तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से ज्यादा वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव 2014 का आज चौथा चरण है और सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील की है कि वो मतदान जरूर करें और विरासत और विकास के लिए, देश की सुरक्षा और साथ ही सम्मान के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, संकल्पना के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट निर्णायक है। याद रहे पहले मतदान और फिर जलपान। हर बार मुख्यमंत्री सुबह सबसे पहले ट्वीट करते हैं, लोगों से मतदान करने की अपील करते हैं और वो हर बार ये कहते हैं कि पहले आप मतदान करें और उसके बाद में आप जलपान करें। इसके बाद में आप और भी कई सारे पॉलिटिशियंस के ट्वीट देखेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वोट कास्टिंग शुरू हो चुकी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भी वोट करके ट्वीट करके वोट करने की अपील की है। शाजापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, तो यहाँ पर आप जान लीजिए मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहने वाला है। अरुण सागर बीजेपी के कैंडिडेट है, ज्योत्सना गोंड इंडिया गठबंधन की कैंडिडेट है, वहीं डॉक्टर दोदराम वर्मा बीएसपी के प्रत्याशी हैं। अगर 2019 की बात कर ली जाए तो बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी और अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से भी ट्वीट किया गया है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देखिए लगातार अपील कर दी गई है देश की जनता से। अमित शाह क्या कह रहे हैं, आज लोकसभा के चौथे चरण का मतदान हो रहा है, मजबूत सरकार के लिए भारी संख्या में मतदान करें। गृहमंत्री अमित शाह का ये आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट देख रहे हैं। पहले मतदान फिर जलपान, आज लोकसभा के चौथे चरण का मतदान शुरू हो चुका है, मजबूत सरकार के लिए भारी संख्या में मतदान जरूरी है। अमनदीप, हमने देखा पिछले जितने भी फेजेस अभी निकले हैं, तीन फेज जिनमें वोट प्रतिशत काफी ज्यादा गिरा है 2019 के चुनाव के तहत अगर आप देखेंगे, तो इस लिहाज से ये अपील जो है बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। ना सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह बल्कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आपको पोस्ट दिखाएंगे। जाहिर तौर पर पिछली बार जब वो अपने गांधीनगर, गुजरात गांधीनगर की सीट पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे, उससे पहले उन्होंने वो पोस्ट कर दिया था जिसमें देशवासियों से उन्होंने फिर अपील की थी कि जाएं, अपने घर से निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, वोट जरूर करें। तो तीन चुनावों में अब तक जो वोट प्रतिशत नीचे आया है उसको उठाने के लिए एक बार फिर से ये अपील दिग्गजों की तरफ से होनी शुरू हो चुकी है। और अब ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में सहयोगी जुड़ गए हैं। लखीमपुर खीरी से उमेश श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, धौरहरा से संकेत मिश्रा हमारे साथ में जुड़ गए हैं, कानपुर से बात करें तो अमित गंजू, और उन्नाव से अनुज गुप्ता, फरुखाबाद से सूर्या वाजपेयी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आज सबसे पहले उमेश, मैं आप ही के पास पे आऊंगी, कौन से पोलिंग बूथ पर इस वक्त आप मौजूद हैं, किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जनता में कितना उत्साह है मतदान को लेकर? जी हाँ, देखिए लोकतंत्र के महापर्व का चौथा चरण आज है। उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए आज मतदान हो रहा है। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट के लिए भी आज मतदान हो रहा है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त तिकुनिया में मौजूद है, अग्रसेन इंटर कॉलेज तिकुनिया में मौजूद है और यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। कतारबद्ध हैं लोग और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं मतदान करने के लिए, क्या महिलाएं क्या पुरुष, सभी यहां पर कतारबद्ध हैं और 6:30 बजे से ही लोग यहां पर कतारों में लग चुके हैं। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर है कि लोगों की कतार लगी हुई है और सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुछ लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि किन मुद्दों के आधार पर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे, युवा हैं, क्या सोचते हैं? मैं इस वक्त तिकुनिया में मौजूद हूं और लखीमपुर खीरी की जनता के मन में क्या है और किन मुद्दों के सहारे आप लोग वोट कास्ट करने के लिए जा रहे हैं? हमारे क्षेत्र का विकास हो, हमारे क्षेत्र में हॉस्पिटल की सुविधा हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो और यही सब हम लोग चाहते हैं। कैसा मुकाबला आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से? यहाँ अजय मिश्र टेनी उम्मीदवार हैं, उत्कर्ष वर्मा समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, बहुजन समाज पार्टी से अंशेख कारला यहाँ पे उम्मीदवार हैं। क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या इश्यूज हैं इस बार? सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ट्रेन का है। ट्रेन का टाइम शेड्यूल बिल्कुल बेकार है। यहाँ पर बस से जाने के लिए एक यात्री को 100 रुपए किराया देना पड़ता है पलिया तक, और ट्रेन से जाएगा उसका मात्र 15 रुपए पड़ता है।
ट्रेनों का टाइमिंग शेड्यूल इतना गंदा है कि आदमी परेशान है, फिर भी यहाँ पर विकास के मुद्दे पे ही वोट दिया जा रहा है। सबसे रिएक्शन लेना बहुत जरूरी है। संकेत के पास चलेंगे अमनदीप, क्योंकि देखिए संकेत के पीछे तो हमें काफी लंबी लाइनें नजर आ रही है। संकेत, अभी सुबह तड़के और चौथे चरण के रण में आपके पीछे लंबी लंबी कतारें दोहरा रहा कि किस आप पोलिंग बूथ पर इस समय खड़े हैं। बिल्कुल, हम हैं धौरहरा लोकसभा पे और धौरहरा लोकसभा काफी चर्चित लोकसभा इसलिए है कि यहां से भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं रेखा वर्मा, वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं, तीसरी बार चुनावी मैदान में है, दो बार से सांसद हैं, और समाजवादी पार्टी से आनंद भदौरिया प्रत्याशी हैं, श्याम किशोर अवस्थी बसपा से प्रत्याशी हैं। और लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर ये हम आपको दिखाएंगे। लाइन लगी हुई है सुबह 6:30 बजे से, जो वोटर हैं वो यहां पर लग गए हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सुबह 6:30 बजे से यहाँ पर पंक्तियों में लोग लगे हुए हैं। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे। सर ये बताएं, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और किन मुद्दों पर आप लोग मतदान कर रहे हैं। देखिए मैं कल्बे हसन, ग्राम औरंगाबाद, ये जिला लखीमपुर है, धौरहरा लोकसभा। सर किन क्या मुद्दे हैं आपके, कल्बे हसन साहब क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर आप लोग मतदान कर रहे हैं? मुद्दे ये है कि हमारा भारत राष्ट्र को जो मजबूत करे, विकास की ओर ले जाए, हमारे युवाओं को रोजगार मिले और हमारे किसानों के लिए बेहतर व्यवस्था हो, उनके जो उत्पाद है उनका मूल्य मिले हमारे, और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो पूरे सभी लोगों को जिसका फायदा मिले। जी सर, जो जिस तरीके से जो कामकाज है उनसे कितना आप खुश हैं और क्या धौरहरा में विकास चाहते हैं? देखिए हमारे यहाँ काफी कुछ विकास हुआ है, सड़कों का निर्माण हुआ है, पुल का निर्माण हुआ है और तमाम ऐसी योजनाएं जिनसे सीधा लाभ पहुंच रहा है हमारे आम जनता को। तो अभी बहुत सी चीजें हमारे, जैसे मेडिकल कॉलेजेस इस क्षेत्र में होना चाहिए। बिल्कुल, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आप भी हैं, क्या नाम है सर आपका और किन मुद्दों पर आप मतदान करने आए हैं? मेरा नाम श्याम किशोर तिवारी है। यहाँ के मुद्दे विशेष तौर पे शिक्षा और स्वास्थ्य है, बाकी सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। बिल्कुल, विकास के मुद्दे पर जनता वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। जब लोग विकास की बात करते तो विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर पैदा हो जाती है। अमित गंजू के पास में चलते हैं, कानपुर में इस वक्त मौजूद है। अमित, कानपुर की जनता वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके साथ में आज घर से निकल रही है वोट कास्ट करने के लिए? देखिए अमन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकतंत्र के इस महापर्व का हर व्यक्ति, खासकर हर व्यक्ति साक्षी बनना चाहता है, भागीदार बनना चाहता है इस महोत्सव का। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा पहले दिखाइए कितने लोग इस आदर्श बूथ पर, जहां इस वक्त न्यूज 18 टीम खड़ी, नगर निगम का ये इंस्टीट्यूट है, आदर्श बूथ है जिसे बैलून बंटिंग से सजाया और उतने ही लोगों में, उतने ही मतदाताओं में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो चुकी थी। ऐसे में हमारे साथ एक वो सज्जन है, हस्बैंड वाइफ, जिन्होंने पहले वोट कास्ट, सबसे पहले आपने वोट कास्ट किया, दिखा दीजिए पहले कैसे वोट कास्ट, अपने सियाही दिखाइए, मैम आप भी सियाही दिखाइए, ये सियाही और खुशी बता रही है कि इन्होंने इसका इंतजार किया और इस वोट मैं, सर क्या मुख्य मुद्दे कानपुर के? डेवलपमेंट और थोड़ा सा तेजी से हो तो बेहतर रहेगा। डेवलपमेंट जी, अगर महिलाओं से जुड़ी, कानपुर की महिलाओं से जुड़ा क्या मामला मुद्दे यहाँ के? सबसे बड़ी बात तो इस सरकार में हमें बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिली है, हम चाहते हैं कि ये इसी तरह से चलती है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, बाकी लोगों को भी आप कहेंगे कि फटाफट वोट आके कास्ट करें? बिल्कुल, फटाफट करें ना करें, लेकिन आके जरूर कास्ट करें। अच्छा आके करें, देखिए कितनी मोदी भी कर चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कर चुके हैं। आपके पास आएंगे और भी हमारे सहयोगी हैं, उनसे जल्दी से लोगों के रिएक्शन लेंगे। उन्नाव चलेंगे जहां से अनुज हमारे साथ हैं। अनुज देखिए, ये वो सीटें हैं जहां पर पिछली बार विपक्ष का सुपड़ा साफ हुआ है, 13 की 13 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार वही प्रदर्शन दोहराने की जो चुनौती है बीजेपी के सामने भी है। किस पोलिंग बूथ पर आप मौजूद हैं? आपके पीछे भी हम देख सकते हैं इस समय हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं, पर लोग आने शुरू हुए हैं मतदान करने के लिए। अनुज, जिसमें यहाँ पर देखा जा रहा है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वोटर्स की लंबी लाइन है यहाँ पर और लगातार लोग अपना वोट डालने आ रहे हैं। लगातार तस्वीरों में देखा जा सकता है साफ तौर पर कि यहाँ पर लोग वोट करने के लिए आ रहे हैं और हमारे साथ कुछ वोटर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे किस तरह से आपने वोट किया है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर सड़कें, क्या मुद्दे इस बार उन्नाव में हावी रहे? मुद्दे तो सड़कें ही हैं, नदियां हैं, बारिश होती है तो हर जगह पानी होता है, यही सब। युवा सब बेरोजगार है, घूम रहा है 5 सालों से, 10 सालों से नौकरी के लिए,
जनता की है, वही तो ध्यान में रखना चाहिए। देखिए ये एक गृहिणी है और साफ तौर पर अपना वोट मतदान करने आए हैं, लोगों से भी कह रहे हैं कि पहले मतदान करें इसके बाद आगे के काम करें।